बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरी आज की रेसिपी है चिकन चिली बाइट्स। आज मैं आपसे बहुत मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोग मेरी फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। और ये एक ऐसी रेसिपी है आप लोग रमज़ानों में बना सकते हैं। हमने यहाँ पर हरी मिर्चें ली थी, हरी मिर्चों को हमने सिरके में डिप किया था। मिर्चों के बीच हमने निकाल लेने हैं, मिर्च देख लें आपने, मैंने मिर्चों के बीच निकाल लिए थे। हम यहाँ पर आधे घंटे के लिए मिर्चों को सिरके में डिप करके रख देंगे। ये स्टेप हमें लाजमी करना है इसके लिए। इसको हमें रख देना है आधे घंटे के लिए सिरके में डिप करके, ठीक है। अब रेडी करेंगे हम अपनी चिकन। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली थी जिसको मैंने स्ट्रिप फॉर्म में कट कर लिया था। अच्छा, इसकी जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो जो चिकन होती है वो खाली बॉयल चिकन यूज़ करते हैं, लेकिन मैं चिकन में थोड़ा फ्लेवर दूंगी ताकि एक अच्छा सा टेस्ट आए। यहाँ पर मैंने ऑयल के अंदर हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसके अंदर मैं अब ऐड करूँगी अपनी चिकन जो मैंने स्ट्रिप फॉर्म में कट करके रख ली थी। बहुत ज़्यादा फ्लेवर हमें नहीं देना है इसमें। इसमें मैंने ऐड की है काली मिर्च, नमक, सिरका, और सोया सॉस। हम इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, हमें जस्ट एक चिकन को फ्लेवर देना है अच्छा सा। बस हम चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन चिकन हमारी फ्राई हो गई है। इसका जो पानी है बस वो इसका ड्राई कर लेंगे। चिकन हमारी रेडी हो गई है, अब हम करेंगे मिर्चों के अंदर फिलिंग। अच्छा, मिर्चें जो हैं हमें बहुत ज़्यादा बड़ी वाली नहीं लेनी है, जो एक दरमियानी साइज़ की होती हैं हम वो लेंगे। यहाँ पर हम मिर्चों के अंदर चिकन डालेंगे। इधर मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी, इसको मैंने कट कर लिया था स्ट्रिप फॉर्म के अंदर। अब हम मिर्चों के अंदर चीज़ ऐड, बस हम इस तरह से अपनी सारी मिर्चें फिल कर लेंगे। हम बस सारी मिर्चों को इसी तरह फिल करते जाएंगे। ये इसके कुछ कुछ मेन स्टेप्स हैं कि मिर्चों को आपने सिरके में डिप लाजमी करना है। और जिसका मेन सेकंड स्टेप है वो ये है कि मिर्चों के ऊपर आपने पहले मैदे की कोट लाजमी करनी है। अगर आप लोग मैदा यूज़ नहीं करेंगे, अंडे की कोटिंग नहीं होगी, तो इसलिए हमें अंडे में डिप करने से पहले मैदे में लाजमी इसको डिप करना है, इसको लाजमी कोट देना है मैदे में। बस ये हमारी लास्ट मिर्च है, इसको भी हम फिल कर लेंगे। अब हम करेंगे इसकी कोटिंग। हम सबसे पहले मैदे में इसको करेंगे अच्छे से कोट, इसके बाद हम अंडे में करेंगे,
और एंड में हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करेंगे। इस तरह से हम सारी अपनी चिली बाइट्स को कोट कर लेंगे। हमने कोटिंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल भी इसके ब्रेड क्रम्स जो हैं वो निकलेंगे नहीं, बहुत अच्छे से हमें कोट करना है। अब करेंगे हम इसको डीप फ्राई। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, हम इसको तेज़ गर्म ऑयल पे डालेंगे और जो फ्लेम है वो हाई रखेंगे। बस हमने अपनी सारी चिली बाइट्स डाल ली हैं, आप लोग देख लें इसकी कोटिंग भी नहीं हट रही ऑयल में जाने के बाद। चिली बाइट्स हमारी रेडी हो गई हैं, आप लोग इसके लुक देख लें, बहुत मज़े की बनती हैं। आप लोग मेरी वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।